हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो है टॉपिक पढ़ा रहे थे स्केलेटन काइमा। तो स्केलेटन काइमा में जो है अपन ने फाइबर जो है बताया, यानी स्केलेटन काइमा के दो पार्ट होते हैं या दो पार्ट में दो टाइप्स में अपन इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ जो है इसका फाइबर है, जिसकी अपन ने कल बात की। आज अपन बात और सेकेंड पार्ट होता है इसका स्केलेट्स। तो स्केलेट्स की अपन आज बात करते हैं। स्केलेट्स जो है इसको स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोन सेल। यहां पे जो स्टोन सेल्स है इसके सेंटर में, जैसे कि अपन जानते हैं कि ल्यूमन होता है, सेल ल्यूमन। तो ये जो सेल ल्यूमन जिसमें कि या अवकाशिका जिसमें कि प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लास्ट। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसमें जैसे जैसे सेकेंडरी वॉल का निर्माण होता जाता है, वैसे वैसे ये प्रोटोप्लास्ट या जो ये प्रोटोप्लास्ट ल्यूमन है ये सक्रिय होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब ये पूर्ण रूप से लिग्निफाइड हो जाती है। लिग्निफाइड होने के कारण ये डेड हो जाती है। क्या? डेड, मृत हो जाती है। तो इसको अपन स्क्लेरोटिक सेल्स भी कहते हैं, स्क्लेरोटिक सेल। तो यहां इस स्क्लेरेट सेल्स में जो कि इसका एक निश्चित आकार नहीं होता है, ये बहुभुजी गोलाकार अलग अलग शेप में पाई जाती है। और इनमें साइड में जो है पिट्स पाए जाते हैं जो कि सामान्य रूप से सिंपल टाइप के पिट्स पाए जाते हैं। कहां पे? इसके जो ल्यूमन के जो साइड में या जो अपना साइटोप्लाज्म जो रीजन होता है सेल्स का, उसमें क्या? पिट्स पाए जाते हैं। लिग्निफाइड जैसे होती जाती है, वैसे वैसे इनमें पिट्स का निर्माण जो है सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन के समय हो जाता है। तो यहां ये जो स्टोन सेल्स या जो स्क्लेरोटिक सेल्स है, दृढ़ कोशिका है, ये पादप के लगभग सभी भागों में पाई जाती है, जैसे कि पेटियोल में या पर्णमंत में, खोया एग्जाम्पल के तौर पे खोया में ये पाई जाती है। और रूट में आप देखते होंगे कि जो निम्फिया प्लांट है उसकी भी रूट में ये पाई जाती है। क्या? ये स्केलेटन सेल्स या जो स्टोन सेल्स है वो पाई जाती है। और साइजीजियम और निम्फिया के रूट पार्ट में, जबकि मीजोफिल पत्ती का जो पार्ट पाया जाता है मीजोफिल, उसमें ट्रोकोडेंड्रोन जो स्पीसीज है उनमें ये स्क्लेरेटिक सेल्स पाई जाती है। फ्रूट्स पाइरस ये जो नाशपाती है उसमें, उसके फ्रूट में भी जो है स्टोन सेल्स पाई जाती है। यहां अब जो इस सेल्स के जो लिग्निफाइड होने के आधार पे इसके जो टाइप्स है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, लगभग 5 प्रकार की ये मिलती है। इनकी शेप के आधार पे जैसे कि एस्ट्रोस्क्लेराइड्स जो सेल्स है जिसको कि ताराब दर्डक या दर्ड कोशिका कहा जाता है, इसकी शेप जो है लगभग स्टार के आकार की हो जाती है। होता क्या है कि सेल्स जो बनती है उसके स्क्लेरेटिक इनिशियल सेल्स, कौन सी? स्क्लेरेटिक इनिशियल सेल। इसमें जो स्क्लेरेटिक इनिशियल सेल्स बनती है इसके पश्चात इसमें जो लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है इसके आधार पर इनकी जो संरचना है वो
लंबी सी जो किनारे हैं इनके लंबे नुकीले टाइप से हो जाते हैं और इसकी शेफ जो है लगभग ताराकार आकृति में हो जाती है, स्टार शेफ की हो जाती है। इसके जो एग्जांपल है यानी निम्फिया की पीटियोल में ये इस प्रकार का एस्ट्रोस्केलेट्स मिलती है, या जो थिया जो अपनी चाय अपन जो पीते हैं उसकी लीफ में भी इस प्रकार की जो एस्ट्रोस्केलेट्स टाइप्स की जो है स्केलेट्स देखने को मिलती है। अब जो दूसरा टाइप्स है ब्रैकी स्केलेट्स, ब्रैकी स्केलेट्स जो सेल्स है इनको समव्यासी दर्डक कोशिका भी कहा जाता है। इनकी आकृति जो लगभग गोलाकार टाइप की या अंडाकार शेप की होती है और इनके बीच में सेंटर में ल्यूमन जो है बहुत संकीर्ण पाई जाती है और पिट सेल्स जो है उसका डिपोजिशन इसके किनारों पे मिलता है। तो ये जो समव्यासी दर्डक कोशिकाएं हैं वो फ्रूट में या लीफ में पार्ट में दिखाई देती है। फ्रूट्स जो है साइडीजियम गुआ जावा जिसको कि अमरूद कहते हैं और पाइरस नाशपति में, यानी अमरूद और नाशपति में जो फ्रूट्स का जो किरकिरापन है वो किसके कारण होता है, इन स्केलेट सेल्स के कारण होता है या इन स्टोन सेल्स के कारण होता है, जिसके कारण अपन को अपन जब इस प्रकार के फलों का गुदा खाते हैं तो अपन को किरकिरापन महसूस होता है। फिर तीसरे प्रकार की जो सेल्स है मैक्रोस्केलेट सेल्स या वृहत दर्डक कोशिकाएं, वृहत दर्डक कोशिकाएं इनका साइज जो है बहुत अधिक लंबा हो जाता है या बहुत अधिक साइज की होती है और इनमें जो बीच बीच में है पिट सेल्स पाई जाती है या गर्त कोशिकाएं पाई जाती है जो कि सिंपल टाइप्स के गर्त होते हैं और ये लगभग जो फलीदार बीज है वाले पौधों में पाई जाती है। पॉड सेल्स में, पॉड सीड सेल्स में जो ये एग्जाम्पल के तौर पे वृहत दर्डक कोशिकाएं देखने को मिलती है। फिर जो फोर्थ टाइप में अपन बात करते हैं ऑस्टियोस्केलेट्स, ऑस्टियोस्केलेट्स जो है इनकी आकृति जो है अस्थिनुमा हो जाती है और किनारों पे जो ये ब्रांच्ड होती है अंतिम जो छोर होते हैं इनके वहां पे ये क्या होती है लगभग ब्रांच टाइप की होती है। लगभग सभी प्रकार के जो यानी कि कुछ टाइप्स के जो सीड कोट है यानी कि बीजावन है उनमें ये ऑस्टियोस्केलेट्स टाइप्स के जो है स्केलेट्स सेल्स देखने को मिलती है। अंत में जो है फाइव टाइप्स जो है ट्राइकोस्केलेट्स या रोमाकार आकृति के दर्डक, रोमाकार आकृति की जो दर्डक है उनकी जो लंबाई है वो बहुत अधिक होती है और अंतिम छोरों पे या किनारों पे ये ब्रांच होते हैं और इनमें भी पिट्स का डिपोजिशन मध्य भाग में देखने को मिलता है और ये भी इनमें लिग्निन टैनिन सेलुलोज इत्यादि पदार्थों का जमाव इन लगभग सभी प्रकार की जो स्केलेट सेल्स में देखने को मिलता है। फिर जो अपने इनकी ओरिजिन की बात करते हैं, इनका जो ओरिजिन है वो पेरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा होता है। पेरेनकाइमेटस सेल्स जो जैसे कि लीफ में स्पंजी पेरेनकाइमा, पेनिसेड सेल्स और जो इसकी एपिडर्मिस जो सेल्स है वहां उनसे जो लीफ में इनका निर्माण होता है, किसका, स्केलेट सेल्स का। फिर जो लगभग ये जो अपन एस्ट्रोस्केलेट ब्रैंकी स्केलेट जो सेल्स है इनका जो ओरिजिन है वो अपने स्केलेट्स इनिशियल जो सेल्स है स्केलेट्स इनिशियल सेल इससे होता है। स्केलेट्स इनिशियल सेल्स में पहले ये आकार में वृद्धि करती है फिर इनमें लगभग जो है लिग्निन आदि पदार्थों का जमाव हो जाता है। लिग्निन आदि पदार्थों के जमाव के कारण ये जो अलग अलग शेप में बदल जाती है। तो यहां
कल अपन ने बात की फाइबर की और आज अपन ने जो है स्क्लेरेट्स को समझाया। ओके, थैंक यू।